दोस्तों, अगर आप चाहते हैं किसी गाड़ी का पूरी इन्फो निकालना, गाड़ी के मालिक का नाम पता, बल्कि ये भी कि गाड़ी पे चालान कितने हुए हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो आपके लिए ही है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे दोस्तों आप गाड़ी की जानकारी को निकाल पाएंगे, बल्कि ये भी जान पाएंगे कि आप गाड़ी पे चालान कितने हुए हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, आप इसे एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको किसी गाड़ी का डिटेल निकालनी है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा व्हीकल ऑनर सर्च, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ से क्लिक करते हो यहाँ से आ रहा है नंबर, तो आपको यहाँ से नंबर डाल देना है। तो नंबर यहाँ से मैं डाल देता हूँ, यहाँ से आपको नंबर डालना है UP25। जैसे मैं अपनी गाड़ी का नंबर डालता हूँ, मैं तो यूपी से हूँ इसलिए डाल देता हूँ, आप जहाँ के हो डाल देना है, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, नंबर मैंने डाल दिया। अब जैसे मैं यहाँ सर्च मारूंगा और पूरी डिटेल आ जाएगी गाड़ी के चालान सहित कि कितने चालान हुए हैं, देख लीजिए दोस्तों सब जानकारी निकल रही है। देख लीजिए दोस्तों गाड़ी भी आ गई यहाँ से, कौन सी गाड़ी है, HF Deluxe है, ठीक है दोस्तों, जोगेश कुमार के नाम में। ये कॉन्टैक्ट अस भी कर सकते हैं हम, यहाँ से इनका कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा हमें, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, यहाँ से आप किसी को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जिसका जिसकी गाड़ी है उसे। और यहाँ से आ रही है ऑनरशिप सीरियल नंबर, फर्स्ट ऑनर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर भी गाड़ी का आपको मिल जाएगा, मॉडल नंबर, मेकर नंबर, व्हीकल क्लास, इंजन नंबर भी मिल जाएगा, और सबसे मेन बात यहाँ से आपको चेचस नंबर भी मिल जाएगा, गाड़ी जिसके नाम में उसका नाम तो आ रहा है। और यहाँ से आप चेक योर चालान भी कर सकते हैं कि इस गाड़ी पे चालान कितने होंगे, तो मैं यहाँ से आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, अगर होंगे तो जरूर आ जाएंगे, देख लीजिए दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, आप एक बार ट्राई कीजिए और किसी भी गाड़ी की पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों यहाँ से कोई चालान है नहीं, यहाँ से आप इस गाड़ी की RC भी देख सकते हैं, व्यू RC पे क्लिक करके। तो ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, आप इसे एक बार ट्राई कीजिए। बाकी दोस्तों यहाँ से मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ से आ रहा है चालान सर्च, आप यहाँ से चालान सर्च कर सकते हैं कि गाड़ी पे चालान हुआ है नहीं हुआ है नंबर डाल के। और दोस्तों यहाँ से नीचे आ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस, किसी की गाड़ी का नंबर डाल के आप जज देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। रिव्यूल वैल्यू कैलकुलेटर, यहाँ से अगर आप बैग्स का देखना चाहते हो तो आपको बैग्स पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे दुनिया की सारी बैग्स, तमाम बैग्स आ जाती हैं हर कंपनी की, आप किसी भी कंपनी के रुपए देख सकते हो जो कंपनी से आते हैं। देख लीजिए दोस्तों एक्स्ट बाइक 1825 रुपए की है, CB Science 66,600। तो यहाँ से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, अगर आपको किसी कोई गाड़ी लेनी है तो आप गाड़ी की पूरी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ से कोई भी गाड़ी लें तो यहाँ से पहले डिटेल देख लें कि कंपनी से कितने की आ रही है गाड़ी और हमें कितने की पड़ रही है। उसके बाद यहाँ से अगर कार कोई खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से कार देख सकते हैं, यहाँ पर मारुति, होंडाई, टोयोटा, महिंद्रा, फोर्ड, टाटा, सब BMW, स्कोडा, मर्सिडीज, वॉक्सवैगन, ऑडी, हर तरीके की यहाँ पे कार आ जाएगी, जैगुआर शायद। तो यहाँ पे आप हर तरीके की कार के रेट देख सकते हैं, अगर मान ली तो मैं जैगुआर के देखना है तो यहाँ से आप जैगुआर के देख सकते हैं, जैगुआर खरीदनी है अगर आपको, देख लीजिए दोस्तों जैगुआर के यहाँ पे सभी रेट आ गए, कितने लाख की पड़ती है जैगुआर, क्या बैठ रहा है, और यहाँ से सब हर तरीके की गाड़ी को आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और किसी भी कार या बैग से रिलेटेड अगर आप कोई न्यूज़ पढ़ना चाहते हो, कोई नई कार या गाड़ी कोई लॉन्च होगी तो यहाँ से पूरी आ जाएगी उसकी डिटेल, और यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हैं। तो ये आपको एप्लीकेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत ही बेहतर है, आप इसे यूज़ कीजिए, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से देख लीजिए दोस्तों ड्यूक सब आ रही है, KTM Duke तो बहुत ही बेहतरीन है, आप यहाँ से देख सकते हैं ड्यूक कितने रुपए की और आप ले सकते हैं। ये अच्छा एप्लीकेशन है, आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा।